बहुत मारनी है, लठ नहीं मारने, समझ गए? हाँ, उससे आपसे दूरी बनी रहेगी और उसको चोट कम से कम लगेगी, और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि ये खोद क्या है। जैसे जुगाड़ है ना भारत का, एक ये हरियाणा की एक इन्वेंशन है, खोज है, खोद, तो ये हमें बता देंगे हम आपको बाद में। नहीं देखिए, जैसा आप जानते हैं, हमने किसी भी किस्म की गतिविधि को रोकने के लिए यहाँ पे आप जानते हैं धारा 144 लागू है, और तो जो है किसी भी किस्म की गलत गतिविधि को रोकने के लिए हमारी पूरी पुख्ता बंदोबस्त आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, और हर हाल में हम किसी भी प्रदर्शनकारी को यहाँ से अंदर नहीं जाने देंगे। देखिए, अपनी स्ट्रेटेजीज का मैं खुलासा नहीं करना चाहूंगा, मैंने आपको बड़े उससे बता दिया कि हमारी तैयारी पूरी है, बिल्कुल परफेक्ट तैयारी है, बहुत अच्छी हमारी तैयारी है, और हम जो है रोक लेंगे इसमें, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, ये मैं ऑपरेशनल दृष्टि से मैं ये खुलासे नहीं करूंगा, मैं आपको ये बता दूंगा कि हमारी हर किस्म की तैयारी पूरी है, बहुत अच्छी है, एकदम पुख्ता तैयारी है। देखिए, पंजाब पुलिस को कहा गया है वो क्या कहते हैं उनके ऊपर, पर हमारी तरफ से उनको मैसेज है, क्लियर है कि उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे रोकें, जो है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सारी डिटेल्स में ऑपरेशनल दृष्टि से खुलासा करना नहीं चाहता, हम पे मतलब बहुत सफिशियंट नंबर्स में फोर्स है, भारी तादाद में हमारे पास फोर्स है, और सारे पुख्ता बंदोबस्त हमारे यहाँ पे मौजूद है। देखिए, जो भी कोई आएगा उसको रोकने के, मैंने आपको बताया, हमारे हर तरह की जो है गैदरिंग को रोकने की हमारी पूरी पुख्ता व्यवस्था है। देखिए, जो जैसा जानते हैं जो बॉर्डिंग एरिया है वहाँ सब पे नाके हैं हमारे, वहाँ पे सब पे नाके हैं, पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है वहाँ पे, और सब जगह पे रोकने की व्यवस्था पूरी है। हाँ बिल्कुल, अगर देखिए प्रयास है, और हमारी रिक्वेस्ट है कि ना करें, अच्छा ही है, खोद मारनी है, लठ नहीं मारने, समझ गए? हाँ, उससे आपसे दूरी बनी रहेगी और उसको चोट कम से कम लगेगी, और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि ये खोद क्या है। जैसे जुगाड़ है ना भारत का, एक ये हरियाणा की एक इन्वेंशन है, खोज है, खोद, तो ये हमें बता देंगे हम आपको बाद में। नहीं देखिए, जैसा आप जानते हैं, हमने किसी भी किस्म की गतिविधि को रोकने के लिए यहाँ पे आप जानते हैं धारा 144 लागू है, और तो जो है किसी भी किस्म की गलत गतिविधि को रोकने के लिए हमारी पूरी पुख्ता बंदोबस्त आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, और हर हाल में हम किसी भी प्रदर्शनकारी को यहाँ से अंदर नहीं जाने देंगे। देखिए, अपनी स्ट्रेटेजीज का मैं खुलासा नहीं करना चाहूंगा, मैंने आपको बड़े उससे बता दिया कि हमारी तैयारी पूरी है, बिल्कुल परफेक्ट तैयारी है, बहुत अच्छी हमारी तैयारी है, और हम जो है रोक लेंगे इसमें, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, ये मैं ऑपरेशनल दृष्टि से मैं ये खुलासे नहीं करूंगा, मैं आपको ये बता दूंगा कि हमारी हर किस्म की तैयारी पूरी है, बहुत अच्छी है, एकदम पुख्ता तैयारी है। देखिए, पंजाब पुलिस को कहा गया है वो क्या कहते हैं उनके ऊपर, पर हमारी तरफ से उनको मैसेज है, क्लियर है कि उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे रोकें, जो है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सारी डिटेल्स में ऑपरेशनल दृष्टि से खुलासा करना नहीं चाहता, हम पे मतलब बहुत सफिशियंट नंबर्स में फोर्स है, भारी तादाद में हमारे पास फोर्स है, और सारे पुख्ता बंदोबस्त हमारे यहाँ पे मौजूद है। देखिए, जो भी कोई आएगा उसको रोकने के, मैंने आपको बताया, हमारे हर तरह की जो है गैदरिंग को रोकने की हमारी पूरी पुख्ता व्यवस्था है। देखिए, जो जैसा जानते हैं जो बॉर्डिंग एरिया है वहाँ सब पे नाके हैं हमारे, वहाँ पे सब पे नाके हैं, पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है वहाँ पे, और सब जगह पे रोकने की व्यवस्था पूरी है। हाँ बिल्कुल, अगर देखिए प्रयास है, और हमारी रिक्वेस्ट है कि ना करें, अच्छा ही है।